नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो उनको हटाया जा रहा है उसके पीछे आलमी साजिश है, यानी कि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि अगर कोई तख्ता पलट कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, वो आर्मी कर सकती है। और उसके साथ अगर इमरान खान का ये कहना है कि अमेरिका और जो और भी यूरोपियन देश हैं उनका इसमें हाथ है, तो वहाँ पर जो चाइना है उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाइयाँ सामने आ रही है, क्योंकि चाइना जो है वो ये बात समझ रहा है कि अगर इमरान खान ये बात सही बोल रहे हैं कि जो बाहर के देश हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें चाइना का हाथ होगा और चाइना जो है सॉरी जो अमेरिका है उसका हाथ होगा, और अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा उसके कहने पे भी ये सब हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी आर्मी और अमेरिका है उसके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ते हुए देख जो जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ है, क्योंकि आपको पता हो कि चाइना जो है एक ऐसा कंट्री है जो कि पाकिस्तान को हर जगह पर साथ देता है, लेकिन यहाँ पर वो ये बात जानता है कि अगर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे बने तो फिर चाइना के लिए आने वाले दिनों में जो सी पैक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। और इसीलिए जो चाइना है उसने पाकिस्तानी आर्मी को धमकी दी है और कहीं ना कहीं ये बताते हुए कहा है कि जो नज़दीकियाँ पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अमेरिका के साथ बढ़ा रही है वो ऐसा ना करे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पे क्या कहना है। चाइना और जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन एक्शन है और पाकिस्तान का पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा और आने वाला सियासी मंजरनामा भी बदल के रख दिया गया है। काफी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ इनसाइड न्यूज भी है मेरे पास जो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि बदलते हुए हालात देखकर ऑपोजिशन किस तरह से बगावत पर उतर आई है और हालात को इस नहज पर ले जाने की कोशिश कर रही है कि मुल्क में सिविल नाफरमानी या अनारकी की सी सूरत हाल हो, और यहां तक कि फौज को भी बगावत का कह दिया है इमरान खान से। और यही ऑपोजिशन जो कह रही थी कि पार्लियामान में क्यों नहीं लाते, कौमी सलामती की कमेटी में क्यों नहीं लाते, पार्लियामेंट की जो कमेटी है सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की, उसमें क्यों नहीं लाते इस खत को, और अगर इस खत में साजिश हुई तो हम तो इससे इसमें इमरान खान का साथ देंगे। लेकिन अब वो भी पीछे हट चुके हैं क्योंकि उनका ये वाला पूरे का पूरा बयानिया दबरदूस हो चुका है कि यह खत फेक था, यह एक इमरान खान की तरफ से ब्लफ था, यह इमरान खान की तरफ से एक शोशा था, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश थी, ऐसा मामला नहीं है। लेकिन इस वक्त की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो ताजा तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वजीर आजम की जेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाक फजाइया और पाक नेवी के चीफ्स, और साथ ही साथ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी DGISI, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात नशरियात, कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ, शीरी मजारी जो कि विफाकी वजीर हैं बराए इंसानी हकूक, और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने शिरकत की है। इस इजलास में मुबैना धमकी आमेज खत पर ब्रीफिंग दी गई और इस इजलास का सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था और कुछ डिस्कस नहीं हुआ, सिर्फ इस खत को डिस्कस करने के लिए सब बैठे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि धमकी आमेज खत पर ना सिर्फ ब्रीफिंग दी गई है बल्कि इन सब के अंदर इस सारे के सारे मामले में इन सारे स्टेक होल्डर्स को, सिविल मिलिट्री लीडरशिप को, इस खत के मामले पर एतमाद में लिया गया है। की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से, और ललकारा है चाइना ने अमेरिका को कि वो जो पाकिस्तान में मदाखलत कर रहा है ये इंतहाई नामुनासिब है और चाइना इसकी इजाजत नहीं देगा। अगर धांधली ना की जाए, इलेक्शन सही हो और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको वोट का हक जो दिया है उसके मुताबिक वो एक्सरसाइज करें अपने उस हक को, तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान वापस आ सकते हैं। अब इसका क्या किया जाए, अब इसका क्या करेंगे, वो इसी परेशानी में है। और वो जो सूरत हाल है जो हमें बताई जा रही है वो बड़ी दिगरगुं है, बड़ी पतली सूरत हाल है और बड़ी परेशानी का आलम है। लेकिन सबसे पहले चाइना से आगाज करते हैं। चाइना आपको पता है हमेशा पाकिस्तान का दोस्त रहा है और उसने कभी भी पाकिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ा। इवन 71 की जो जंग थी जिसमें पाकिस्तान हारा, उस वक्त भी एक ट्रिक किया था रशिया ने, तब इंडिया के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया था डिफेंस का, जिसकी वजह से चाइना बराह रास्त पाकिस्तान की मदद को नहीं आ सका। लेकिन चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की हर मामले में मदद की, कश्मीर के इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में हाईलाइट करने के लिए, और फिर
भारत जो जंगी जुनून में मुबतला है, जिस तरीके से वो हथियार ले रहा है, जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस से हथियार प्लेन्स लिए हैं, तो उन तमाम चीज़ों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस को वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए चाइना हमेशा आया है और उसने क्रेडिट भी दिया। और उसके बाद सी पैक में वो जो प्रेसिडेंट शी का एक जो इनिशिएटिव है, एक वन वो जो पूरा एक सड़क का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें खित्ते में बड़ी तरक्की होगी, उसमें उसने पाकिस्तान को हमेशा आगे रखा है। तो आज चाइना के वजीर खारजा, फिर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो इमरान खान को जिस बैन अल-अक़वामी अमरीकी साजिश का सामना है, जिसके तहत उनको इक्तदार से हटाने की कोशिश की जा रही है और यहां पर अपोजिशन को हुकूमत में लाने की कोशिश की जा रही है, उस पर एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया उन्होंने। आज अमरीका को यह वार्न किया चाइना ने कि आप जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनको दोबारा कोल्ड वार इरा में मत लेके जाएं, उनको डराने धमकाने की जो साजिशें हैं और इस सर्द जंग में उनको अपने ब्लॉक में शामिल करने की जो कोशिश है, चाइना उसको देख रहा है और चाइना उसको कामयाब नहीं होने देगा। यह बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है। आपको पता है चाइनीज कोई ज्यादा खुलकर मामलात का इजहार नहीं करते। इससे पहले आप यह देखें कि जो वजीर खारजा हैं वो इधर ओआईसी के इजलास में भी आए, उसके बाद जो पाकिस्तान डे की तकरीबात थी उसमें भी वो शरीक हुए और यहां पर उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही थी कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की जो दाखिली कुव्वतें हैं वो इत्तफाक पैदा करेंगी आपस में और ये जो पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है उसका मुत्तफिका तौर पर जवाब देंगी। और फिर वहां आज उन्होंने दोबारा ये अपना ट्वीट किया और ये बात कही है कि तीसरी दुनिया के ममालिक को जिस तरह डरा धमका रहा है अमरीका और सर्द जंग में वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है, चाइना उसकी इजाजत नहीं देगा। तो अगर हम ये कहें कि जो रूसी मीडिया के मुताबिक CIA जो एक साजिश कर रही है इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत से हटाने के लिए, उस साजिश के जवाब में चीन ने ये बात कही है और खुलकर ये बात कही है, तो डेफिनेटली चीन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी रबते में होगा। और ये जो वहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाही दी होगी उनको, तो एक बहुत बड़ी एक स्ट्रांग स्टेटमेंट आई है। रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वहां पर हैं, बीजिंग में है, अफगानिस्तान के मसले पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और चाइना जो है इसको होस्ट कर रहा है, तो बड़ी एक ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा, आज आसिफ जरदारी ने ऐलान किया है कि आसफा भुट्टो जो हैं वो अब अमली सियासत में आ रही हैं। बिल्कुल आए, उनका राइट है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसफ जरदारी की साहबजादी हैं और डेफिनेटली पॉलिटिक्स उनके खून में है, बड़ी अच्छी तालीम भी हासिल की होगी। लेकिन एक जो तल्ख हकीकत है कि वो इसीलिए सियासत में काम आ रही हैं क्योंकि वो बेनज़ीर भुट्टो की बेटी हैं और अगर कोई आम आदमी के घर वो पैदा होती तो कहाँ फिर वो पॉलिटिक्स में आ सकती थी। अब आते ही वो MNA का टिकट लेंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, MNA बनेंगी, उसके बाद वो कोई वजीर बनेंगी, फिर कल को वो वजारत उज़्मा का अपने आप को हकदार समझेंगी और कहा जाएगा कि उनकी बहुत कुर्बानियां हैं और वो बहुत ज़बरदस्त वो लीडर हैं। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का कि यहाँ पर सियासत, हर पोलिटिकल पार्टी जो है वो एक लिमिटेड कंपनी की तरह है,